जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वेलकम टू माई सोल ब्लॉग्स, आई एम सतेंद्र सत्ती। ये शब्द सुने थे हुणे ने और बहुत सारे लोगों नू जिंदगी नू जिंदा दिली नाल जिउंदिया भी वेख्या होएगा, पर की रूल थोड़े ते अप्लाई हुंदा है? तुहानू नहीं लगता कि जिंदगी का बहुता समा असी इस करके चंगी तरह नहीं जिउंदे क्योंकि सोसाइटी सानू अलाओ नहीं करती? हो कुछ रूल रेगुलेशन जो परमानेंट बने हुए ने उन्होंने तोड़ना कोई आसान काम है? किन्ना समा लगा लोगों चीज़ों एक्सैप्ट करद्या, कुड़ियाँ काम करनगियां, कुड़ियाँ मुंडिया वांगू वर्क प्लेसिस ते जानगियां। एक सदी नहीं, कई सदियां लग गई क्योंकि सोसाइटी दे रूल्स तोड़न लग्या सौखा काम तो नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द रूल्स। पर जे तुहानू मैनू या सारिआं नू इह समझ आ जाए ना कि मरे हुए बंदे नू लोग किन्नी जल्दी भुल जांदे ने, तां सच मन्नो तुसीं जीना शुरू कर दोगे। बंदा मरदा है, चार पाँच दिनों पिछों लोग बेचारे गल करदे ने, ओहो सुसाइड कर लिया, डिप्रैशन का शिकार सी, ओहो हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट ना मर गया, जवान मौत सी। ते उस तो बाद असीं सब अपने अपने कम्मां च मसरूफ हो जांदे आ, किसी नू चेता ही नहीं रहिंदा, अगले हफ्ते तक कोई जिक्र भी नहीं करता। बस इन्नी कु जिंदगी है, और इन्नी कु जिंदगी एक हफ्ता लोगों के चेत्या च रहने के लिए असी तमाम जिंदगी उन्होंने अनुसार उन्होंने खुश करने के बतीत करते हैं। जिंदगी बड़ी छोटी है, बड़ी खूबसूरत है। जिस किसी थान पर असी अड़ गए तो उस चीज़ को छड़ ही नहीं पाते, कई कई साल लग जाते हैं उस डिप्रैशन चो निकलदे हैं, कई कई साल लग जाते हैं इको जॉब के इको तरह का काम करदे हैं, तुसी कुछ वक्रा करना चाहते हो बट यू डोंट अलाउ योर सैल्फ बिकॉज यू आर स्टक। डर लगता है कि नौकरी छड़ती दूसरी ना मिली की करांगे। जिंदगी का पता ही उदो लगता जो बाय बाय करन दा टाइम आ जाता है, गोड्या चो ग्रीस खत्म हो जाती साड़ी, और तुहानू लगता ओ माई गॉड यार मैं बहुत कुछ कर सकता सी, मैं बड़ा टैलेंटेड सी, मेरे च बड़ा पोटेंशियल सी, पर कीता क्यों नहीं? क्योंकि तुसी जिंदगी नू जीवन दे विच विश्वास ही नहीं कीता, सिर्फ जिंदगी टाइम पास कीता है, सिर्फ जिंदगी नू जीए हो पर भरपूर जिंदा दिली नाल नहीं जीए। यही डिफरेंस है। जिवें जिवें उम्र बीतती जाती है, कुछ लोग बड़े अलर्ट हो जाते हैं कि मेरे को 10 साल का टाइम रह गया, और गोरे तुसी देखिया कि बड़ी अर्ली रिटायरमेंट लै लेंदे ने, वर्ल्ड टूर करते ने, अपने मकान वेच देंदे ने, किसी भी जगह पर 6 महीने रेंदे ने किराए के मकान के, उतों पैकअप करके फिर नवी कंट्री चले जाते हैं। अगर उन्होंने पूछो कि तुम इनसिक्योर नहीं होंगे या तुम इस तरह क्यों करते हो, वह कहते कि नाउ आई हैव वेरी लैस टाइम इन लाइफ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू इंजॉय माई लाइफ। तो असी लोग जिमें जिमें बजुर्ग हूँ ना, जिमें जिमें उम्र वधदी है चीज़ों को फड़ के बह जाने कि ओहो यह चीज़ इतों जानी नहीं चाहिए, मेरी जमीन, मेरे जायदाद, मेरे बच्चे। तो उस उधेड़बुन दे विच जिंदगी जो अलविदा कहती है तो तुसी मुड़ के वेखते हो तो तुहानू बहुत सारिया चीज़ों का अफसोस हुंदा है। डर ये नहीं है कि मौत आ जाएगी, डर इस चीज़ का हुंदा है कि मरण वेले एहसास ये होएगा कि अरे मर भी गए, जिंदगी तो जीवी नहीं सीगी। सो जे हजे भी तुहाडे कोल टाइम है तो गैट रेडी, इट्स एन अलार्म, ये वीडियो अलार्म है तुहाडे लिए कि जिंदगी बहुत जल्दी निकल रही है। जिन्हें लोगों की तुम परवाह करते हो ना, जे अज ताड़ियाँ बजा रहे हैं, तुम्हें वेख के सल्यूट मार रहे हैं, 5 साल बाद कोई होर सल्यूट बजाने वाला आ जाएगा, तुहाडी जगह के उत्ते होर टैलेंटेड लोग आ जाएंगे, होर यंग लोग आ जाएंगे विद मोर एनर्जी, वो मोर क्रिएटिविटी, एंड यू विल बी नो वेयर, यू विल बी एवरेज। गैट रेडी फॉर नैक्सट लाइफ। जिंदगी सिर्फ नॉर्मल तरीके च लोगों वाह वाह खट्टन का नाम नहीं है, जिंदगी अपने आप नू खुश करके दुनिया नू एक पासे रख के अपने आप लिए जीवन का भी नाम है। साढ़े चो बहुते लोग इस करके जीवते नहीं क्योंकि बच्चों नू वड्डे करना है, माँ प्यो की सेवा करनी है, भैन भरा वाली कुछ करना है, या फिर होर कुछ नहीं, यार एडा वड्डा नाम है मेरा, हुण मैं करदा चंगा लगना वा। तो वह नाम तो फेम किन्ना टैंपरेरी है तुहानू पता ही नहीं। मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा हर चीज़ नहीं है, पैसा थोड़े को बहुत हो, अगर थोड़े कोई 4 बंदे गल करने वाले ना हो ना, तो उदो थानू एहसास हुंदा कि पैसा बंदा खास थोड़ी सकता या पैसे ना गल्ला ते नहीं कर सकता।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਲੂਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਲਵ ਨੇਚਰ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਓਹੋ ਯਾਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਲਫਾ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਾ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਸੇਵ ਯੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਜਰਨੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਲਿਵ ਲਾਈਫ ਫੁੱਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ।